वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सुबह सुबह, एक्चुअली भी रात नहीं हो रही है, अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सुबह सुबह अपना व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमें जाना है गुड़गांव। बट हमें क्यों जाना है और किस लिए जाना है वो तो मैं आपको रास्ते में बताऊँगी जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बस अभी मेरे को प्रशांत को जाना है, आज आयरा अपनी बुआ के साथ यहाँ पर रहेगी, तो बस अभी मैं प्रशांत को उठाती हूँ और हम लोग होते हैं फटाफट रेडी, और उसके बाद मिलते हैं, फिर करते हैं आपसे बातें। सो गाइस, हम रेडी होने के बाद हम निकल चुके हैं गुड़गांव के लिए। हम गुड़गांव क्यों जा रहे हैं वो आपको बताएंगे प्रशांत। प्रशांत, हम किस लिए जा रहे हैं? क्रिकेट मैच के लिए। आज हमारे रोटरी का क्रिकेट टूर्नामेंट है। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए, कि जो हमारा रोटरी क्लब्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की जो रोटरी क्लब है उनका क्रिकेट मैच होगा। तो मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ एक्चुअली, तो बस हम वहीं के लिए निकले हैं, तब भी हमने अपने रोटरी क्लब की टी शर्ट्स भी पहनी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और प्रशांत, आप एक्साइटेड हो? हाँ, तो मुझे चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा खेले और हमारी टीम जीते, मतलब हमारी टीम अच्छे से खेले और हम जीत जाए, होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड। सो अभी हम रास्ते में हैं, आई थिंक हमें 1 आवर लग जाएगा अभी पहुंचने पे, और बाकी हम वहां जाके मिलते हैं आपसे। सो गाइस, हम कार में ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा बहुत जल्दी निकले थे, तो उस टाइम कुछ खाया नहीं था, बट हमने पैक कर लिया था कि रास्ते में खा लेंगे। प्रशांत, आपको चाहिए? और गाइस, वेदर बाहर इतना खराब हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया, बारिश आने वाली है, पता नहीं अगर बारिश आ गई तो कैसे मैच खेलेंगे, देखते हैं, होपफुली बारिश ना हो। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट आप देखिए बाहर का वेदर कैसा हो रहा है। तो गाइस, देखिए आप ऊपर के कितने काले बादल हो रहे हैं, बारिश ऐसा लग रहा है बस अभी बारिश हो जाएगी, होपफुली बारिश ना हो और हमारा मैच अच्छे से हो जाए, फिंगर क्रॉस्ड। और देखते हैं कि फिर आगे कैसे रहेगा, और हम मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो उसके लिए तो आपको पूरा व्लॉग देखना ही पड़ेगा। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं विस्टेरिया स्पोर्ट्स क्लब में, जहां पे हमारा क्रिकेट मैच होने वाला है। तो बस अभी हमने कार पार्क कर दी है और पीछे आप देख सकते हैं वहां पे की सारी टीम वहां पे खड़ी है, बस अब एक साथ इकट्ठे होंगे और फिर हम जाएंगे अंदर। तो बस अभी चलते हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द मैच, सी कि कैसे रहेगा हमारा मैच। सो गाइज, हमने यहाँ पे एंटर किया और एंटर करते ही आप देखिए कि मैं दिखाती हूँ कि यहाँ का ग्राउंड कितना बड़ा है, और यहाँ पे ऐसे 2 बड़े बड़े ग्राउंड थे। और उसके बाद हमें बोला गया कि एक ग्रुप फ़ोटो के लिए, तो यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स एक साथ आ गए थे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, तो कुछ टीम मेंबर्स नहीं थे तो हम उनको बुला रहे थे ताकि ग्रुप फ़ोटो हो पाए। और फिर फाइनली सब आ गए और फिर डिसाइड कर रहे थे कि हमें कैसे खड़ा होना है, तो एट लास्ट फाइनली हमने फ़ोटो क्लिक। और उसके बाद वो हमसे डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में फोटोज क्लिक करा रहे थे, कभी विक्ट्री पोज में, कभी क्या है हैंड्स अप, कभी डाउन, पर एट लास्ट हमें बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। फोटो क्लिक होने के बाद यहाँ पे प्लेयर्स को उनके नेम की टी शर्ट्स उनको यहाँ पे मिली थी, तो बस सभी उसी को ले रहे थे अपनी अपनी टी शर्ट को, और उसके बाद उन्होंने चेंज किया क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद ही हमारा मैच स्टार्ट होने वाला था। माइक आ गया तेरा, माइक आ गया तेरा, म्यूजिक चल रहा है, फिर कॉपीराइट। कुछ भी खा लेंगे, समोसा वोसा तो खाऊंगा। तो भाई, अभी टीम का, हमारी टीम का हो चुका टॉस, और अभी देखते हैं बैटिंग आएगी या बॉलिंग आएगी, जो भी होगा ठीक है। वो रही अपनी टीम ग्रीन ड्रेस में, ठीक है, प्रशांत भैया बोल रहे हैं। तो चलो भाई, देखते हैं क्या होगा, जीतेगी खैर हमारी टीम। हमारा क्या भैया, बैटिंग बैटिंग
गौरव भाई सो भाभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो हम लोग आए हैं अपनी टीम को चीयर अप करने के लिए और पर्सनली अपने हस्बैंड को। तो आपको क्या लगता है हमारी टीम कैसे परफॉर्म करेगी? अच्छा करेगी। प्रैक्टिस अच्छी है उनकी? बिल्कुल। चलो तो गाइज हम आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे कि कैसा हमारा क्रिकेट मैच रहा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देती हूँ कोकी को शूट करने की, और आज तूने अच्छे से शूट नहीं किया तो इसकी आज पिटाई होगी। और मैं शूट करूंगा, ये जीत जाएंगे। चलो अब ये कह रहे हैं ये शूट करेगा तो जीत जाएंगे, चलो देखते हैं कि इसकी बात सही होती है कि गलत होती है। ठीक है, मेरी गलत होती नहीं कभी। ओ इतना कॉन्फिडेंस, लेट्स सी कि कैसा रहता है। ठीक है, ये चलो प्रैक्टिस मैच। ओहो, और आप देखिए पीछे हमारी टीम, वहाँ पे आपको दिखी होगी ग्रीन कलर की टी शर्ट, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी से, बहुत जोश में है वो लोग। प्रशांत आप रेडी हो? बिल्कुल। तो अच्छे से खेलना है, बेस्ट ऑफ लक। और पीछे हमारी टीम यहाँ पे आ गई क्योंकि हमारी बैटिंग है, तो अभी हमारे बैट्समैन गए हुए हैं जो ओपनिंग करेंगे वहाँ पे। ठीक है, और मैं पूछता हूँ आप हेलो बोलो सारे। हाय, हेलो। सो एक्साइटेड हो मैच के लिए? बिल्कुल 100%। और क्या लगता है जीत जाएंगे हम? बिल्कुल जीतेंगे हम, फाइनल तक पहुंचेंगे। फाइनल तो चलो यही स्पिरिट मेंटेन रखना और हमें जीतना है, सो बेस्ट ऑफ लक। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद एनआईटी इज अ लीग क्लब। भैया ऐसी क्या मजबूरी रही जो आप आउट हो? बताऊंगा तेरे को। टोटली 56 मैच घुमा रखा है। बच गए। और यहाँ दो ओवर और तीन गेंदें खेली गई हैं और 41 जो है वो बोर्ड पर ऐड हो चुकी है। दस ओवर एक प्लेयर कितनी कर सकता है बॉल? चौबीस रन ही बनना, रन तो लिमिटेड 24 बना। हाँ गौरव वर्मानी एंड
हमारी टीम की बैटिंग हो चुकी है और हमने टोटल रन 62 बनाए हैं और अब हमारी टीम जो है अब फील्डिंग के लिए फ्री पे। लेट्स सी, देखते हैं कि हमारी टीम जीतती है कि नहीं। हारती क्या लगता है? बिल्कुल जीतेंगे, फिंगर क्रॉस, होपफुली जीत जाए हम। सो गाइस, हमारी टीम पहुंच चुकी है फील्ड पे और बॉलिंग फील्डिंग के हो गई है रेडी। लेट्स सी कि कैसा रहता है मैच। रोक रोक रोक, एक रन प्रशांत, एक रन बस 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 बस। बॉल में नौ रन आ गए। अरे कितने कितने रह गए। पांच बॉल पे 28। चौके गई थी बैट से खली बचाने के लिए। दो बॉल है। बस 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 रोक दो। ए लो ये जीत गए। एक बार पूरी टीम आ जाएंगी इनके बाद और एक विक्ट्री साइन तो बनता है सबका। गाइज, हमारा फर्स्ट मैच था जो हम जीत चुके थे। अब हमारा राउंड टू और अब हम बस हम बैटिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं, देखते हैं कि इसका भी क्या रिजल्ट रहता है। होपफुली पॉजिटिव रहे। तो चल दिखाते देखते हैं। सो गाइस, हमारी टीम की बैटिंग हो चुकी है और हमने बनाए 50 रन और अब सेकंड वो बॉलिंग करने गए हैं और जो जो टीम खेल रही है उसको 51 का उसका टारगेट है। देखते हैं अब हमारी टीम कैसा करती है, हम जीतते हैं या हारते हैं, जो भी होगा ऑब्वियसली हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे। आप कुछ कहना चाहोगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं, अभी नो कमेंट्स। आप बोलो। फिलहाल बहुत गंभीर सिचुएशन है। होप फॉर द बेस्ट कि हम जीतेंगे इस बार। यस, होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर क्रॉस्ड कि हम जीत जाए। तीन बॉल पे 17 रन। तीन बॉल पे 17 रन नहीं बने। कुल 34 रन बन चुके हैं। दो विकेट, मैं कर लूंगा यार।
गेंदें मात्र हो गई और कुल 17 रन बनाने में सफल हो गए तो पांच होते भैया, पांच होते बाबू। इस साइड आ जा। फाइनल सब है, अभी प्री फाइनल्स होगा। अब इसके बाद हमारा थर्ड राउंड होगा, अगर उसको जीत गए देन सेमीफाइनल्स, और उसको जीत गए तो फिर फाइनल्स। होपफुली हम जीत जाए, ट्रॉफी घर लेके जाए। तो बस अभी रेस्ट करेंगे और उसके बाद थोड़ा लंच करेंगे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अब हमें भूख लग गई है बहुत जोर से, और अब हम चल के करते हैं लंच। लंच का भी यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, चलिए कर लेते हैं। भूख लग गई है बहुत जोर से, फिर उसके बाद क्यों एनर्जी भी चाहिए ना अपनी टीम को चीयर अप करने के लिए। थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है और इसमें पहले हमारी टीम करेगी फील्डिंग। तो वो गई हुई है फील्ड पे और देखते हैं कि कैसा रहेगा, कि टीम की डिफरेंस बनाएगी और हमारा क्या टारगेट होगा। लेट्स सी, होप कि अच्छा हो मैच। और आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे अपनी टीम के लिए? वैसे सबकी एनर्जी खत्म हो चुकी है सुबह से। नहीं, हम अच्छे से अपनी टीम को अच्छे से चीयर अप करेंगे, चाहे कितनी भी एनर्जी हमारी खत्म हो गई हो। बड़े बड़े बॉल कैच कर रहे हैं, मतलब आज के नौजवान बच्चे इतने आलस हैं, देखो यंग कितने एनर्जेटिक हो तुम लोग। सो गाइस हमारी टीम की अब बैटिंग की टर्न आ चुकी है। कोकी कितने रन बने हमारे, मतलब उनकी दूसरी टीम के 64, और हमें कितने बनाने हैं? 65। ओके, हमें बना ले और जीत जाए, क्या लगता है बना लेंगे? ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसे ही बना लेंगे हम, देखना लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है हमें, हम ऐसे ही। चाय पकौड़ा पार्टी, कोई बात नहीं, हमने बहुत एंजॉय किया। हार गए तो हार गए, अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे, और नेक्स्ट टाइम होपफुली हम जीत जाए। हार गए,
खेल की तरह खेले, इंजॉय किए, सबने इंजॉय किया। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? तो हम चाय पकौड़े इंजॉय कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, हम लोग अब क्लब से निकल चुके हैं और आई थिंक रात के अब 8 बज चुके हैं, तो बहुत लेट हो गया है क्योंकि अभी फाइनल मैच तो चल ही रहा था, बट हम नहीं रुक पाए क्योंकि घर से बहुत फोन आ रहे थे कि आयरा मम्मी पापा को मिस कर रही है, वो बुला रही है। तो क्योंकि आयरा को हमने फर्स्ट टाइम ऐसे अकेला छोड़ा इतने लंबे टाइम के लिए, तो हमने कहा चलो चलते फाइनल मैच, कोई बात नहीं बाद में मतलब लाइव फोन पे देख लेंगे। तो बस अभी हम निकल गए हैं और आज बहुत बहुत मजा आया। हम दो मैच जीत गए, थर्ड वाला हार गए, पर कोई बात नहीं, गेम में तो हार जीत लगी रहती है। बट हम लोगों ने बहुत 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 इंजॉय किया है, बट हम लोग बहुत थक चुके हैं। अब प्रशांत बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत मजा किया, इन्होंने बहुत अच्छा खेला, मतलब पर अब थक गए क्योंकि तीन तीन मैच खेले तो थोड़ा फिजिकली बहुत थक चुके और हम लोग भी बहुत थक चुके हैं। तो बस अब आयरा के लिए हमें गिफ्ट लेना है, देखते रस्ते में अगर हमें कोई शॉप अच्छी शॉप मिल जाती है तो डेफिनेटली उसके लिए लेना है, कि उसको ये रहेगा कि मम्मी पापा गए तो मेरे लिए लेके आए हैं, तो खुश हो जाएगी और वो खुश देखे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो देखते अगर कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाती हूँ कि आयरा के लिए क्या लेंगे। वो अभी अपनी बुआ के घर है तो उसको भी वहां से पिक करना है। सो अभी चलते हैं और बाहर मौसम खराब हो रहा है, लग रहा है बस पलवल में तो बारिश हो रही है, बट यहाँ अभी हम निकले यहाँ तो कोई बारिश नहीं है, बट लग रहा है कि बारिश भी यहाँ हो जाएगी। सो अभी मिलते हैं घर पहुँच के आपसे। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं पेपल डाउन टाउन मॉल आयरा के लिए कुछ लेने के लिए, देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। चलते हैं अंदर और देखते हैं उसके लिए क्या मिलता है हमें। आयरा के लिए होगी ये शॉपिंग, हमने उसके लिए ड्राइंग बुक, चॉकलेट, उसको मतलब जो जो पसंद है टॉयज भी लिए हैं, आई थिंक नेल्स का कुछ आर्टिफिशियल नेल्स का है जिसमें बच्चे थोड़ा खेल सकते हैं, नेल आर्ट कर सकते हैं, उस टाइप से उसको बहुत पसंद है तो हमने वो लिया है। देखते हैं उसको कैसा लगे।